दोस्तों आज मेरे चैनल में पहली स्ट्राइक आ गई है, अब क्या होगा मेरे चैनल का। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वाईफाई टेक्निकल यूट्यूब चैनल। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखें, इसकी बिल्कुल मत करना, जिससे आज यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके अगर आपके चैनल पर भी स्ट्राइक आ जाती है और अगर भी अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो ये वीडियो जरूर पूरा देखना। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरीके की वीडियोस मिलती रहती हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर हमारे चैनल पर स्ट्राइक आ जाती है और अभी हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरे पर, क्योंकि ऐसे इस तरीके के बहुत से DM मेरे पास आ रहे हैं, बहुत से YouTube पर कमेंट मुझसे किए जा रहे हैं, बहुत सी जगह मुझे कॉल करके भी पूछा जा रहा है कि भाई अगर हमारे चैनल पर स्ट्राइक आ जाती है और हमारा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है तो मेरे चैनल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारा मोनेटाइजेशन ऑन होगा या नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम होगी हमारे चैनल पर आगे चल के, ये सब भाई मुझे एक बार अच्छे से बताइए इसके बारे में, ठीक। तो दोस्तों आज मैं आप लोग लिए इसीलिए ये वीडियो लेकर आया, जैसे कि हर एक यूट्यूबर के लिए जो डाउट होता है वो आज क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि मेरे चैनल पर भी आज एक स्ट्राइक आई हुई है, 2-3 दिन पहले आई थी स्ट्राइक, ठीक है। तो मैं आज वीडियो बनाकर आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग उस पर काम कर सकते हैं और क्या हमने गलती की जिससे कि हमारे चैनल पर स्ट्राइक आ जाती है, ठीक है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे पास जो भी स्ट्राइक आई वो आई यूट्यूब की तरफ से कमिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, ठीक है, जो मैंने YouTube का रूल मुझसे बोला गया कि मैंने फॉलो नहीं किया है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा तो देखिए, मैंने तो आज से वो 7 महीने पहले वीडियोस बनाई थी, बट YouTube ने आज मुझे क्यों स्ट्राइक दिया, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, उसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा, ठीक है। अभी आपसे बात कर लेता हूँ कि ये स्ट्राइक आई है तो हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों देखो, जब भी हमारे चैनल पर पहला आता है तो YouTube वो हमको वार्निंग देता है, ठीक है, वार्निंग स्ट्राइक होती है, जिससे कि आप अपनी जो भी आप किस तरीके की वीडियोज़ बना रहे हैं उसको सुधार लो, आप इस तरीके की कोई भी की कंटेंट नहीं यूज़ कर सकते जिसमें हार्मफुल हो, जिससे कि डेंजरस हो, या कोई इस तरीके का कंटेंट हो जो आप नहीं यूट्यूब पर डाल सकते। इस तरीके से यूट्यूब ने मुझे एक मेल किया और साथ ही साथ मुझे अलग से YT स्टूडियो में शो भी किया, बताया भी, ठीक है। तो दोस्तों देखो, ये एक वीक बाद अपने बाद आप हट जाता है, ठीक है। अगर आपका वार्निंग स्ट्राइक आई है तो उससे कोई भी डरना नहीं है। अगर इसके बाद एक और आ जाती है तो आपका लाइव स्ट्रीम या फिर एक अपलोडिंग वीडियो का बंद हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं बस आपको इतना इन्फॉर्म करना चाहता था कि अगर आपके में भी ऐसा इस तरीके कोई भी स्ट्राइक आती है, वार्निंग स्ट्राइक आती है, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, वो एक हफ्ते बाद अपने आप गायब हो जाएगा, ठीक है। जो कि उससे लिए बहुत ज़्यादा यूट्यूब में बस इसलिए बोलता है यूट्यूब की, आपका अगर किसी तरीके के इस तरीके की वीडियोज़ पर आ रहा है तो आप उस तरीके की वीडियोज़ मत बनाओ। अगर आप चाहते हो कि अगर मान लो कि उस तरीके की वीडियोस आप बना रहे हो, ठीक है, और आपको लगता है कि आपने इसमें इस तरीके कोई भी कंटेंट यूज़ नहीं की, तो आप YouTube को अपील भी कर सकते हो और उनसे बोल सकते हो, भाई मैंने इसमें इस तरीके कुछ भी यूज़ नहीं किया है, बट आपने मुझे कमिटी गाइडलाइन वार्निंग दे दी, किस वजह से दे दी, तो आप अपील करके वहाँ पर फील कर सकते हो, ठीक। मैं अपील करना आपको आगे बताऊँगा किस तरीके से अपील किया जाता है, मैं नेक्स्ट वीडियो को लाऊँगा उसमें आपको बताऊँगा अपील किस तरीके से किया जाता है, वो भी मैं आपको एकदम सही तरीके से बताऊँगा किस तरीके अपील करके आप यूट्यूब से बोल सकते हो, ठीक है, अपील कर सकते हो। तो अपील करने पर फिर यूट्यूब चेक करेगा आपकी वीडियोज़ को से, और अगर उसमें कुछ भी नहीं निकलता है तो आपका जो एक वार्निंग है वो हटा दिया जाएगा वहाँ से और आपके चैनल पर कुछ भी नहीं रहेगा, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि आपका चैनल मोनेटाइज हुआ हो चैनल या ना मोनेटाइज हुआ हो, अगर आपके में वार्निंग आती है तो उससे कोई परेशानी नहीं होने वाली है, बस हाँ 3 अगर स्ट्राइक आ जाती है तो चैनल ख़त्म हो जाता है, ठीक है, वहाँ से डिलीट हो जाता है। स्ट्राइक भी अगर जिस बंदे ने भेजी है अगर वो वापस ले लेता है तो आपका चैनल बचा रह सकता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें नॉर्मल से बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यार मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे इसलिए मुझे लगा कि यार आप लोगों को एक बार बताना चाहिए वीडियोज़ बना के, जिससे ही आपको भी कुछ नॉलेज मिल सके। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, अब मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।